निकलते हैं से सीधा कविनगर। कविनगर में खड़े हैं मेरे दोस्त और उनसे मिलते हैं। तो भाई ये जैकेट तो मैंने साइड में रख दी है। यहाँ पे तो वैसे भी गर्मी, मतलब गाड़ी के अंदर गर्मी होती है, तो मैंने उतार दी क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी इस टाइम। ये है राजनगर एक्सटेंशन सारा। और इस टाइम मैं कविनगर जा रहा हूँ। अरे 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 बच्ची भाई, दिन के टाइम तो यहाँ ठंड नहीं लग रही मेरे को, वैसे रात के टाइम है हर जगह ही ठंड। तो मेरे को तो मैंने तो जैकेट भी साइड में रख दिया है क्योंकि गर्मी हो रही है गाड़ी के अंदर वैसे, और धूप भी सही आ रही है तो गर्मी लगी जाती है गाड़ी के अंदर। और सीधा मिलते हैं अब कविनगर में, जहाँ भाई खड़े हैं वो। तो भाई मेरी कॉल पे बात हुई थी उनसे, वो तो कविनगर में है नहीं इस टाइम, वो बाबू के पास है, चिल्ली वाले के पास, मतलब जहाँ मैं वहाँ की तरफ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को राजनगर बुलाया है, तो सीधा मिलते हैं आपको राजनगर में, सेक्टर 10 की मार्केट में बुलाया है। तो भाई साहब इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 10 की मार्केट में, मेरे को तो उसके बाद आएगा भाई वो ना कैसी है वो जो भाई चिल्ली नीली भाई खाओ आपके लिए बनवाई है। No. तो भाई त्यागी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहली बार वो खिला देता ना इससे बढ़िया। ब्लड डोनेट किया भाई ने आज, तो भाई कमजोरी हो रही है इसे। दोस्त और के फ्रेंड के पापा को चाहिए था तो गाइस करना पड़ा। सही है भाई, सही है, अपना काम यही है लोगों की हेल्प करना। तो भाई बिल्लू की तबीयत हो गई थी खराब यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब सही हुई है, उल्टियाँ करके भाई ब्लड दे के आए थे तो सफोकेशन हो गई भाई को थोड़ी अंदर से वीकनेस। तो तुमने ध्यान नहीं रखा क्या? अब कुछ ना होगा, हमने तो ध्यान रखा था भाई साहब। तुम कैसे लेके जाते हो ऐसे? भाई हमने तो ध्यान रखा था भाई साहब। हो जाता है भाई साहब। तो भाई मैं तो डर ही गया था, इसकी जो हालत हुई थी थोड़ी देर पहले ऐसा हो गया था। फिर मैंने जाके बिल्लू उठ जा, तब जाके हुआ तू बिल्कुल एकदम डाउन हो गया था भाई, बिल्कुल बेहोश वाला। हाँ देख तभी तो भाई चला नहीं आ रहा था भाई, वो चिल्ली वाला आ गया क्यों, कह रहा इसे क्या हो गया एकदम से, चिल्ली वाला आ गया था सामने, फिर देख लिया उन्होंने कि उठ गया, उन्होंने कहा आ गाड़ी चला तो। चलो भाई घर तक छोड़ के आते हैं इसे, घर तक पहले से घर तक छोड़ के आते हैं। यहाँ पे लड़ाई हो रही है देखो, फैमिली कुछ प्रॉब्लम होगी भाई बहुत ज्यादा। क्या करना है भाई, अंदर तक छोड़ने जाना पड़ेगा, बिल्लू की तबीयत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब, इसे पता नहीं क्या हो गया अचानक से एकदम, ब्लड डोनेट करके। सही है तू अब छोड़ गया हूँ। बिल्लू की तबीयत हो गई थी ज्यादा खराब तो उसे छोड़ के आ गए हम उसके घर पे, और त्यागी वगैरह भी चले गए सारे घर पे अपने। तो अब मैं जा रहा हूँ वॉशिंग करने के लिए गाड़ी की, और बहुत ही गंदी है गाड़ी अंदर से। तो भाई वॉशिंग करवा ली है मैंने गाड़ी की, अब मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने, मतलब आप सभी तो जानती हो उसको, निशांत नाम है उसका। तो उसने मेरे को बोला था कि भाई कहाँ पे है तू, मैंने कहा भाई वॉशिंग करवा रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उसने मेरे को बुलाया तो उससे मिलने जाता हूँ। देख सकते हो आप क्लीन लग रही है गाड़ी एकदम, कल का सफर किया था तो गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। और इस टाइम मैं हूँ चिंजी विहार में। तो भाई एवरेज तो बहुत अच्छा दे रही है एक्सयूवी, जैसा कि मैं कल रात को शिमला से आया था, आज घूमा भी मैं फिर दिन भर थोड़ा बहुत,
और फिर भी गाड़ी देखो 6 डंडे ही मतलब अभी रह रहे हैं इसमें, उस टाइम इसमें थे 7, अभी मैं फिर घूमा फिरा और अब रह रहे हैं 6 डंडे। तो भाई बहुत अच्छा माइलेज दे रही है भाई, मज़ा ही आ गया। और जैसे ही मैं निशांत के घर के नीचे पहुंचा, आप देख सकते हो 7 डंडे वापस आ गए हैं, मतलब एक और डंडा आ गया है वापस इसका। तो भाई एवरेज बहुत अच्छा दिया है गाड़ी ने भाई, मान गया मैं तो इसको। तो इस टाइम में निशांत के घर हूँ, अब मैं जाऊँगा उससे मिलने के लिए। उसका वो रहा निशांत अपने घर के बाहर। हाय ब्रो, भाई एंट्री मिल जाएगी? मिल गई मुझे एंट्री, चोरों की तरह नहीं, चोरों की तरह नहीं बोल सकते। वेट कर रहा हूँ, भाई मेरे लिए लगाया था क्या लॉक? मेरे लिए लगाया था ना, मिलो उससे। तो भाई इसका हम निशांत भाई के साथ, क्या था लग रहा भाई तुम्हें मेरे साथ खड़े होके? फील कैसी आ रही है तुम्हें? तो भाई यहाँ से व्यू देख सकते हो, निशांत तो बहुत जिद कर रहा था मिलने के आज, इसे रहा ही नहीं जा रहा था भाई से, पता नहीं भाई। रो के तो दिखा दे सबको एक बार, अब हंस क्यों रहा है, रो के दिखा। तो भाई वहाँ पे कर रखी है गाड़ी पार्क, और इस टाइम हम यहाँ से व्यू का आनंद ले रहे हैं। वो देखो चांद, जूम करो चांद पे, ये देखो दिख रहा होगा, अब दिखेगा चांद, दिख रहा है, चांदनी चाहिए हमें। ये किसी लड़के को बुला रहा है, किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है तू? हैं, कॉल करता हूँ विशु। अच्छा विशु को बुला रहा है, कहाँ है दिख नहीं रहा, हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है। तो ये देखो क्या कर रहा है राइडर, इशित राइडर, तेरे को बोल रहा हूँ। क्या दो जगह तो आपको मिला नहीं कुछ, अब कहाँ जाओगे? गांधीनगर सोच रही हूँ भाई, आज तो पूरे दिन गाड़ी चलाते गाड़ी घुमाती रह गया। तो उसका तो चल रहा है पीछे टेस्ट, जिंदगी इसकी तो टेस्ट में निकल जाएगी। इस टाइम हम यशोदा हॉस्पिटल के नीचे और यहाँ से जा रहे हैं गांधीनगर की ओर, तो मिलते हैं सीधा गांधीनगर में। चले जाओ आप अकेले, पास ही तो है। जल्दी आ भाई, आ जा। भाई अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या पसंद आएगा क्या नहीं। आ जा भाई तू भी आ जा। अब पहुंचे भाई उर्वशी में, यही है लास्ट ट्राई। मेरे पसंद आते हैं हां, क्योंकि यहाँ पे जो भैया होते हैं ना वो थे नहीं। अच्छा तो इसलिए आप कम जा। इसलिए मैं अब ट्राई करता हूं कि वो अगर यहीं होंगे तो फिर तो यहां के अलावा कहीं भी पसंद नहीं आते। गाजियाबाद में अगर बेस्ट चीज मिलती है तो उर्वशी में मिलती है। तो चलो फिर चलते हैं अंदर, मतलब आप ही जा रहे हो। चलो भाई मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। बट अगर आप तुराब नगर में जाओ मतलब गाजियाबाद आओ तो आप उर्वशी में आओ। बेस्ट कलेक्शन पहले जिनाम की थी और जिनाम में भी अब बंद होने वाला है, बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब जो है दो ही थे यहाँ पे, उर्वशी उर्वशी। राइडर पेपर ही देता रह गया पूरे टाइम। हमें तो कुछ चाहिए अब पेट भरने के लिए। भाई इसको कुछ खिला दे और मेरे को भी कुछ खिला दे, क्योंकि नारियल पानी पिएंगे हम। अभी तो घर ही चलते हैं, पहले घर पे मंगा लेंगे। नहीं हम पिएंगे रास्ते में, बाहर वाला बड़ा मजा आता है उसको पीने में। भाई मैं तो बोलता हूँ घर पे मंगा लो, ब्लिंकिट से भी आता। अच्छा चलो तो भाई फिर चलते हैं, नारियल पानी पीते हैं, पीना भी चाहिए वैसे। गाड़ी चला चुकी है हम 110,000 किलोमीटर होने वाली है, हो ही नहीं रही, हाथ तक जाएगा मेरा। अब तक तो जाएगी। हो गई ब्रो 110,000 होगी गाड़ी, पहुंचे दिल्ली 6। इस टाइम यहाँ पे रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए घर के बाहर। क्या
मैं कैसे करूँ, कैमरे से करूँ भाई? नीचे फेंक दिया तूने। पहुंच गए अपने घर पे, अब करेंगे रेस्ट, खेलेंगे गेम, बाकी मिलेंगे कल।